प्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम, और मैं एशिया टेलीकॉम की टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमको एक प्रो लेवल का नॉलेज दिया, टेक्निक बताया कब कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कितना हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने नॉलेज दिया, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दिया। स्पेशली देव सर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मिलन सर को, दुर्गेश सर को, एमडी सर को, सब वहाँ पे सभी लोग हैं जो भी है सबका, जिन्होंने मतलब स्टूडेंट के ऊपर जो वो लोग मेहनत करते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमेशा गाइड करते हैं। डायग्नोस करके रखा हुआ है ये, इसका सीपीयू ख़राब है, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऊपर, ठीक है, ये रेडमी 6A का सीपीयू है जो कि ख़राब है, तो इसको हम लोग चेंज कर, ये देख सकते हैं हमने ये सीपीयू ऑलरेडी निकाल लिया है। अगर आप सीपीयू और एमएमसी पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रो लेवल का नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रो लेवल का टूल्स भी होना चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट। और ये भी मैं इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करके फिक्स करूँगा। नीचे से दिखाओ, पर दिखाओ, ये देखिए ये सीपीयू मैंने रिवॉल्व कर लिया है, ये केवल एक बार में हुआ है वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा मीडियाटेक का सीपीयू है, तब हम इसमें मीडिया टेक सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन राइट कर देंगे, तो ये वो तब तक फ्लैश हो रहा है, तब तक हम ये हम चेक कर लेते हैं, वो फ्लैश हो रहा है अभी, तब तक हम इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा सीपीयू सही से मतलब सही लगा है इसमें कि नहीं लगा है, इसको हम बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्लैशिंग कम्प्लीट हो चुका है, अभी इसको हम सीधे बोर्ड में फिक्स करेंगे। चलो दिखाओ इधर, देख सकते हैं डीसी मशीन की सेट ऑन हो चुका है, इधर देख लीजिए सेट ऑन हो चुका है, ठीक है। और इसमें इंजीनियरिंग फाइल राइट करने के बाद आपको इसमें सिक्योरिटी राइट करना है और फिर इसको नॉर्मल फाइल से फ्लश कर देना है, और भी बहुत कुछ है इसमें। अगर आप लोगों को सेट रिपेयर कराना है मुझसे तो आप कुरियर कर सकते हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 8574091443, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप बाकी डिटेल ले सकते हैं। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग और मेरे फेसबुक के प्यारे लोगों, मेरा नाम है देवदन अग्रवाल और आप देख रहे हैं इंसा टेलीकॉम 28 जनवरी बैच। मेरे साथ में अर्जुन, अर्जुन कहाँ से आए हैं? सर यूपी महाराजगंज से। यूपी महाराजगंज से इतनी दूर से आए हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश। अर्जुन, जबलपुर का नाम सुना था पहले से? नहीं सर, पहले सुना नहीं। सर सच बताओ? नहीं सुना था। क्या करते थे अर्जुन? सर मेरा शॉप है लैपटॉप रिपेयर का। लैपटॉप रिपेयरिंग करते थे, तो आपने मोबाइल रिपेयरिंग करना सोचा और आपने पहले से कर रहे थे कि फोन चल रहे? बहुत मतलब जब नोकिया के फोन चल रहे थे तब से कर रहे थे, कुछ टाइम कर रहे थे फिर बाद में छोड़ दिया था। अभी फिर से क्यों लगा कि मोबाइल में वापस जाए? अभी
सर जैसे वीडियो भी देखता था मैं आपका यूट्यूब पे और बहुत से फ़ोन आते भी थे हमारे पास रिपेयर करने के लिए, तो अभी पहले के मामले इस समय जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसका कुछ नॉलेज नहीं था कौन सा सेक्शन क्या है कौन सा आईसी है, तो इसके लिए मैं वीडियो देखता था आपके, तो इच्छा होता था कि मैं भी जाऊँ, सोचता था कब जाऊँगा। एक बार ही जब ऐसा हुआ कि देखने के बाद पूरा जिद्दी पकड़ लिया कि नहीं अब जाऊँगा ही, चाहे क्यों आपने नहीं सोचा लोकल में क्यों नहीं सीखा आपने? सर जैसे मैं इस फील्ड में हूँ ठीक है, लेकिन अभी जो मुझको नॉलेज चाहिए था वो हर तरफ मैं सर्च करता था कहाँ पे जाऊँ, तो मुझे यही बेस्ट लगा तो मैंने यही डिसीजन लिया कि हाँ मुझे यही यहाँ जाना चाहिए। यहाँ से किस तारीख को आए थे आप यहाँ पर? यहाँ सर मैं जैसे फ़ोन किया 26 तारीख को, तो सर बोले कि आज ही निकलना पड़ेगा, तो 27 को आ गए थे। 28 तारीख से पहले 27 तारीख को आपकी काउंसलिंग हुई थी, वो अटेंड की थी क्या या छूट गई थी? वो छूट गई थी। तो 28 तारीख की क्लास हुई थी आपकी शुरू से? 28 तारीख से जो डे वन की क्लासेस थी, जैसा कि हमने बताया कि 12 घंटे क्लासेस देंगे, इतना प्रैक्टिकल देंगे और जो कोर्स कंटेंट बताया वो सारी चीज़ आपको मिली यहाँ पर? बिल्कुल मिला सर, उससे ज़्यादा मिला, जितना मैं सोच के आया था उससे ज़्यादा मिला। डे वन से लेकर अब तक के अर्जुन में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर। अभी क्या लगता है मोबाइल हाथ में पकड़ के, पीसीबी हाथ में पकड़ के क्या फील होता है? अभी पीसीबी पकड़ने का अभी जो मेरा नज़रिया है वो देखने का सारा सब चेंज हो गया सर, एक देखने में भी फाइंड हो जाएगा हाँ ये कौन सा कॉम्पोनेंट से। डुअल लेकर तक का सफर कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लाइव क्या क्या किया? लाइव मैंने 4G और पावर किया, फिर सीपीयू किया, लाइव 4G सीपीयू किया। कितने दिन बाद किया यहाँ से आने के बाद? यहाँ आने के तीसरे दिन में आपने मेरे ख्याल से पावर किया और चौथे दिन में आपने सीपीयू कर लिया। ये सोच कभी दिमाग में था कि चौथे दिन में सीपीयू कर लूँगा मैं? पहले ट्राई करता था तो वो होता नहीं था, नहीं होता था, क्योंकि हीट हमें टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो नॉलेज हमको मिला है, जो आपका जो टेक्निक है वो आपने आप शेयर किया कैसे करना है कैसे निकालना है। यूट्यूब से क्यों नहीं सीखा? यूट्यूब में तो इतने वीडियो डाले, उस पर सीखना रहता तो मैं यहाँ क्यों आता? अच्छा ये भी बताइए कि ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा आजकल तो लोग ऑनलाइन? सर जैसे यहाँ हैंड स्किल है ना, जो यहाँ पे आने के बाद वो पता चला कि मतलब कोई भी अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको फेस करते हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसका आप लोग प्रॉपर नॉलेज देते हैं कैसे ब्लू कट करना है, कैसे आईसी कट करना है, कैसे रिबोल करना है। हर एक आपका जो सवाल पैदा होता है उसका आंसर आपको उसी समय मिल जाता है, ऑनलाइन में ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा ऑनलाइन में तो जो वीडियो देखते हैं वो सारे तो यूट्यूब में भी डले हैं, तो अगर अच्छे से कीवर्ड सर्च करोगे तो टेम्परेचर से लेकर डुअल डेकर से लेकर हर चीज़ डली हुई है, कंपोनेंट की डिटेलिंग, सर्किट की डिटेलिंग, डायग्राम कैसे पढ़ाएं, तो उसके बाद भी लोग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। ऑनलाइन सर पॉसिबल नहीं है, परफेक्ट अगर परफेक्ट होना है तो। अर्जुन आपसे एक और सवाल करूंगा कि आपने ये क्यों सोचा कि अब एशिया टेलीकॉम आया, हालांकि हम यहाँ पे फीस नहीं बताएंगे, फीस आपको कॉल करके पता करनी पड़ेगी, कि आपने ये क्यों सोचा कि मैं एशिया टेलीकॉम में जा रहा हूँ इतनी बड़ी फीस दे रहा हूँ, मैं क्यों नहीं 10-20 हज़ार वाले किसी इंस्टीट्यूट में चले आता हूँ, कम फीस में ज़्यादा ज्ञान ले लेता हूँ, ऐसा क्यों नहीं सोचा? ऐसा सर मैं इसलिए नहीं सोचा कि 10-20 हज़ार में वो लोग क्या नॉलेज देंगे, बस ना बताएंगे कि हाँ ये है वो। थ्योरिकल नॉलेज नहीं चाहिए था मुझे, जो थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो भी चाहिए था। यहाँ लाइव देते थे हमको, यहाँ लाइव हर एक चीज़ मिला सर, हर एक चीज़ मिला हमको। अभी भी आप लाइव चल रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि ये वीडियो एडिटिंग लोगों को लगता है कि यूट्यूब में इंस्टीट्यूट वाले डाल देते हैं, डे वन से लेकर अब तक आपको कभी भी ऐसा लगा कि हमने हाइड किया है किसी भी स्टूडेंट को? कुछ भी हाइड नहीं किया सर, एक एक यहाँ पे दिखाओ कभी आप लोगों को लगा है? नो सर। हाइड मतलब एक होता है कि हम जैसे रात में आया, मैंने बोला अरे आज रात में लाइव मत देना, पता नहीं चला किसका क्या आउटपुट निकलेगा, कोई ये ना बोलते नहीं सर मेरे से तो नहीं हुआ। कभी भी एक दिन बताओ जहाँ लाइव नहीं लिया हमने, सब जगह लिया ना लाइव, लाइव लिया है, और यही है हमारी USP जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग? अब यहाँ जाने के बाद सर काम पे फोकस करना है, काम पे यहाँ से जो हम सीख के जा रहे हैं उसको एकदम प्रॉपर वे देना है हमको, बिल्कुल प्रो लेवल पे। क्या बोलना चाहेंगे अपने लोगों को एशिया टेलीकॉम की ज्वाइन करें बताइए प्लीज? एशिया टेलीकॉम इज द इंडिया नंबर बेस्ट इंस्टीट्यूट, कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो। लैपटॉप वालों को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी लैपटॉप में काम कर रहे हैं? लैपटॉप वाले वही अगर उनको अगर नॉलेज चाहिए मोबाइल का रिपेयर फील्ड में अगर वो आना चाहते हैं तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी।
तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।